भिलाई 314 नगर निगम क्षेत्र के देव बलोदा मंदिर में महाशिवरात्रि पर हर्ष के साथ पर्व मनाया गया। सुबह से ही भगवान शंकर के दर्शन कर जलाभिषेक करने वाले भक्तों का तांता यहां लगा रहा। वही निगम प्रशासन द्वारा यहां भव्य आयोजन की तैयारियां भी की गई है। देव बलोदा में कलचुरी कालीन प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का आना सुबह से ही शुरू हो गया। यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए जाएंगे। और तलब है कि कोरोना के चलते 2 वर्षों तक देव बलोदा महोत्सव नहीं मनाया जा सका था, 2 साल बाद फिर से इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में भैया क्या है, कल रात से लोगों का आवागमन चालू हो चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग के जो निर्देश था कि 12 घंटा खुलेगा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, तो लोग तो परेशान हुए हैं। और उसके बाद में आज भक्तों को इतना भीड़ लगा हुआ है कि भीड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और बहुत खुशकिस्मत वाले हम लोग जो भोले बाबा का नगरी में रहते हैं। दुख भी है थोड़ा सा, क्या है शासन प्रशासन की थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं लग रहा है क्या, इसको 1 महीना पहले से इसका व्यवस्था चालू हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या 2-4 दिन पहले व्यवस्था होता है, इसके कारण ना लोगों को असुविधा होता है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में 15 महीने दिन से पहले से व्यवस्था चालू करें, जिससे लोगों को राहत मिले और भक्तों अच्छा से अच्छा दर्शन कर सके। और पुरातत्व विभाग से भी निवेदन करूँगा कि 24 घंटा मंदिर कम से कम 2 दिन शिवरात्रि में 24 घंटा खोले, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। 12 घंटा खुल रहा है मंदिर, तो लोग क्या है बहुत भीड़ हो गए हैं। 24 घंटा खोलता है तो लोग कभी भी आके दर्शन करके अपने चले जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा असुविधा है कि लोग बेचारा दिन भर से धूप में खड़े हैं बगैर पानी प्याज कुछ किसी भी चीज़ की व्यवस्था मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो 15 दिन से पहले व्यवस्था करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके, अच्छा कार्य कर सके, यही कमलक साथ में धन्यवाद रहती हूँ। आज महाशिवरात्रि ये 2 साल बाद आज भक्तों को भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन करने का मौका मिला है, इसलिए इसमें भीड़ अधिक मात्रा में बहुत अधिक है। और दूसरी बात, यहाँ 5 दिन से रुद्र महायज्ञ जो भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष से बना हुआ 11,111 शिवलिंग से बना हुआ रुद्राक्ष है, जिससे बना हुआ महाकालेश्वर बना है, जिनके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। और उन्हीं श्रद्धालुओं की भक्ति में आज और महाकालेश्वर की आशीर्वाद हुआ, जो मेला कम और भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए ज़्यादा आए हैं। आज ये पहला साल है जो इतना ज़्यादा श्रद्धालु आए, लेकिन एक है कि गेट जो हमारे रात में 12 बजे खुलता था भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, आज वो 12 बजे नहीं खोल के सुबह 6 बजे खोला, और सुबह 6 बजे खोलने के कारण भक्त बहुत परेशान रहे। ये तो भगवान भोलेनाथ ने भक्तों के लिए एक हम लोग को इस समिति से जोड़ दिया, जो टेंट के माध्यम से उनके पंडाल के माध्यम से आज भक्तों को छाँव का नसीब हो चुका, नहीं तो आज बहुत अत्यंत पीड़ा हो जाता। और हम गांव वाले और सभी भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण और भद्रतापूर्ण ना करके भगवान भक्ति का आनंद लें और दर्शन करें। 11,111 रुद्राक्ष से बना शिवलिंग है, इनका प्रतिदिन इनका अभिमंत्रित होता है। उसके बाद आखिरी दिन तीसरे तृतीय दिवस में इनका भस्म आरती करते हैं। भस्म आरती करने के बाद आज जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में एक दिन रख के दूसरे द्वितीय दिवस में यानी सप्तम दिवस में इनका हम लोग विसर्जन करते हैं। इस विसर्जन से सभी भक्तों को रुद्राक्ष का एक प्रसाद के रूप में इनको दिया जाता है, रुद्राक्ष है ना प्रसादी रूपी दिया जाता है।